हेलो एवरीवन, रिजल्ट्स के मौसम फिर से आने वाले हैं। आपने जो मेहनत किया था फाउंडेशन के एग्जाम के लिए, चाहे सीए फाउंडेशन हो, सीएमए फाउंडेशन हो, वो टाइम आ चुका है। और सीए फाउंडेशन का रिजल्ट तो बस कुछ ही दिनों में, सीएमए फाउंडेशन के रिजल्ट्स कुछ हफ्तों में आने वाले हैं। लेट मी मोटिवेट ऑल ऑफ यू, यू हैव एक्चुअली वर्कड वेरी हार्ड और ये अंदर की खबर है कि रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। बट अगर कोई कारण से बाधा आ जाए एंड यू कैन नॉट अचीव योर डिजायर्ड सक्सेस इमीडिएटली, उम्मीद का दामन मत छोड़िएगा, क्योंकि एक बहुत फेमस कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है। इनफैक्ट जब आप कभी लो फील करते हैं ना, तो आपको कुछ इस टाइप की कविताएं सुननी चाहिए। सुनने में बहुत फिलोसॉफिकल ज्ञान लग रहा होगा, बट इट रियली इग्नाइट्स सम एनर्जी विद इन यू। एंड स्पेशली जो लोग जल्दी हताश हो जाते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है दैट यू हैव टू इंटरनली मोटिवेट मी। मैं यूट्यूब पर आकर आज ये ज्ञान देके चला गया हूं और शायद आपको उतना इंटरेस्ट भी नहीं आए, बट एज अ वेल विशर आई एम टेलिंग यू, इस कोर्स में बाधाएं आएंगी पर आपका साधना का फल आपको जरूर मिलेगा, दैट यू आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड। इनफैक्ट सीएससीएस सीएमए के लिए अगर आप कभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो आप होके रहेंगे, हार्डवर्क, सिंसेरिटी एंड पंक्चुअलिटी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। क्योंकि आप इंटेलिजेंट होंगे, बट इंटेलिजेंस को पेपर में 3 घंटे में उतारने के लिए जो हार्ड वर्क, सिंसेरिटी आपने किया है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस फॉलो किए हैं, कोचिंग सेंटर को फॉलो किया है, इंस्टीट्यूट के मैट को फॉलो किया, ये सब आपने किया है और अब सफलता मिलेगा। पर इसको आगे भी कंटिन्यू रखना है आपको। मतलब आप अगर पास हो जाते हैं फाउंडेशन, तो इंटर को और अच्छे से करना चाहिए। इंटर पास हो जाते हैं तो फाइनल को और अच्छे से। व्हेन आई से और अच्छे से, इसका मतलब होता है पुरानी गलतियों को याद करो। पिछली बार आप क्लास अटेंड कर लेते थे, पर रिवाइज आपने शुरू किया जून के एग्जाम के लिए अप्रैल एंड से। दिस शुड नॉट बी द सिनेरियो इन इंटर एंड फाइनल्स। जैसे जैसे क्लास होते जाता है वैसे वैसे करिए। सब लोग रिजल्ट वाले दिन व्हाट्सएप करते हैं रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, क्या हुआ। समटाइम दे डू इट, यू नो, समटाइम नहीं, ऑलवेज दे एक्चुअली वांट टू फाइंड आउट योर परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए आपका मैसेज आपसे जानना चाहते हैं रिजल्ट के बारे में। एंड समटाइम्स क्या होता है, आप उसको नेगेटिवली ले रहे हैं, वो क्यों जानना चाह रहे हैं। पहले तो आप अपने मन से ये फीलिंग ही हटा दीजिए, वो मेरे मार्क्स को क्यों जानना चाह रहे। कोई बात नहीं, बता दो हो गया इस बार, और नहीं भी हुआ तो इस बार नहीं हुआ है, मैं फेल हो गया, ये लाइन मुझे पसंद नहीं है। सर इस बार थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, दिस लाइन सूट्स बेटर, साउंड्स बेटर। सर इस बार थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो दिस एटीट्यूड हैज टू बी इनकल्केटेड विद इन एवरी सीए एस्पायरिंग स्टूडेंट, एवरी सीएमए एस्पायरिंग स्टूडेंट, सीएस एस्पायरिंग स्टूडेंट। आपको अपने अंदर ये फीलिंग लाना पड़ेगा, मैं तो सीए बन जाऊंगा। और सुनो, बहुत साल बाद कोई नहीं पूछता है कितनी बार में तुम्हारा सीए सीएमए सीएस हुआ था, बल्कि लोग पूछेंगे किस कंपनी का आप, किस कंपनी में आप प्लेस्ड हैं, ओह गुड, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, आपकी सैलरी क्या है। ये सब चीजों में लोगों का इंटरेस्ट रहता है। कितना मार्क्स अकाउंट्स और लॉ के पेपर में आया था, कितना टैक्स के पेपर में आया था, ये 5-6 महीना फ्रेंड सर्कल में एक चर्चा रहती है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ अगर मार्क्स थोड़े से कम भी आ गए। कोई क्लास 12 का मार्क्स पूछता है 7 साल बाद? नो, वो 4-5 महीना जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, देन पीपल आर यू नो इंक्विजिटिव, ए राहुल तेरा कितना आया। सो प्लीज प्लीज ट्राई टू कम अबव दीज थिंग्स। नंबर गेम के पीछे मत भागिए, आप कॉन्सेप्चुअली सॉलिड बनिए, कंपनीज आपको अपने आप अपॉइंट करेगी। हाँ, इसके लिए एक चीज हमेशा है जो मैं लॉ क्लासेस में हमेशा बोलता हूँ, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। आप मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो उतना अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, बिकॉज एमएनसीज में जॉब करने के लिए कम से कम एक मिनिमम बेसिक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक। इंटरव्यू में भी ना उन लोग आपके सॉफ्ट स्किल्स को देखते हैं। अगर पता चल जाएगा आदमी हताश है, हमेशा नेगेटिव रहता है, दे वोंट लाइक सच टाइप ऑफ पीपल इन देयर टीम। तो एज अ स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू, एज योर फ्रेंड आई एम टेलिंग यू, आपको पॉजिटिव आउटलुक के साथ अपनी कोई भी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करनी चाहिए। हम टीचर्स मोटिवेशनल वीडियो बना देते हैं, आप कई वेब सीरीज देख रहे होंगे नेटफ्लिक्स में, आप कई चीज इन दिनों बहुत वो हुआ है, वायरल हुआ है, सीए को लेके कई सीरीज बने हैं। तो यस, उन सीरीज में आपको कुछ नेगेटिव चीज भी दिखाया जाएगा, बट फाइनली यही दिखाना चाह रहा है वो, कि वो इंसान कितना भी ताना सुन ले, कितने भी बाधाओं का सामना कर ले, वो सीए बनकर रहेगा फाइनली। तो ऐसे कई सीरीज आगे भी आते रहेंगे जहां पे दिखाया जाएगा एक सीए सीएमए सीएस इनका जीवन
संघर्षमय जरूर होता है बट बाद में बहुत अच्छा हो जाता है। चाहे कुमार मंगलम बिरला को ले लीजिए जो कि एक सीए भी हैं, ही इज क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर अपने बड़े बिजनेस एम्पायर को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं, या पीयूष गोयल को ले लीजिए जो वो भी सीए हैं और आज मिनिस्ट्री में हैं। तो इस तरह व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप में से बहुत सारे लोग आज जो बैग लटका के आते हैं कल एक महंगे पोर्टफोलियो बैग को लेकर बड़ी कंपनी के बिल्डिंग में चढ़ेंगे, तो बाधाएं आएंगी पर आपको इस बाधा से कभी भी प्रभावित नहीं होना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। एंड कलकत्ता में स्टे अहेड बैच लॉ का शुरू हो गया है, उसके लिए कोई फीस की दरकार नहीं है। आप अगर नॉलेज लेना चाहते हो तो मेरे पास आइए, मुझे आपसे फीस नहीं चाहिए अभी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।